नमस्कार। आज की ये कहानी आप सुनकर वाकई में दंग रहने वाले हैं। हम आपको बता दें, नाबालिग भाई के साथ मिलकर बहन ने अपने पिता की हत्या कर दी। जी हाँ, ये खबर जो है हम आपको बता दें, ये अलवर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर मालाखेड़ा थाने के इलाके की है। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, एक परिवार जो रहता था उस परिवार में यहाँ तक थी कि बेटी ने पिता की हत्या कर दी और कहा कि वो शैतान था और साथ में अपने नाबालिग भाई को लेकर उन्होंने अपने पिता की हत्या की। हत्या का कारण बताया गया, बेटी से जब पूछी गई बातें तो बताया कि वही कहानी सामने आई कि टॉर्चर वाली कहानी। बेटी बताती है कि माता जो है वो मेरी पिछले सात साल से लगभग हर दिन मारपीट सहती आ रही थी और हैवानियत यहाँ तक बढ़ गई कि जब मेरे पिता उनको मारते तो ये तक नहीं देखते कि आखिर चोट कहाँ लग रही है और कैसे लग रही है। पिता जो है वो मजदूरी करते हैं और नशे में धुत होकर शाम को घर आते हैं, अगर माँ कुछ भी कहती है तो बुरी तरह से मारते हैं। हम जो है तीन बहनें हैं, एक भाई है। तीनों बहनों को माने इस तरह के हालात देखते हुए कि पिता नशे में जब आता है उनके साथ मारपीट करता है और बुरी तरह से हैवानियत करता है, तो उसके बाद माने हम तीनों बहनों को घर से बाहर भेज दिया। एक को अलवर भेज दिया और दूसरी को मामा के वहां भेज दिया, तो तीसरी को एक दूसरी जगह कॉलेज में भेज दिया पढ़ाई के लिए। यानी कि तीनों बहनें जो हम हैं उनको अलग अलग भेज दिया, लेकिन भाई जो था वो माँ के साथ रहता था। उसकी उम्र लगभग 16 साल है। और हम आपको बता दें, पिता जो हैं वो मजदूरी कर हैवानियत माँ के साथ करते थे, मारपीट करते थे और जब भी घर आते तो माँ अगर कुछ बोलती तो पिछले 7 साल से बुरी तरह से जो है उनको पीटते थे। ये टॉर्चर की वो कहानी है। इसी में मैं आपको बता दूं, उम्र जो है वो लगभग पिता की 40 साल है जिसकी हत्या की गई। और हम आपको बताना चाहेंगे, वहीं अगर माता की बात करें तो उनकी उम्र 38 साल है। जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है जिन्होंने इस हत्या का प्लान किया, उनकी उम्र 19 साल है। उनसे छोटे जो भाई हैं जो उनके साथ इस टॉर्चर वाली प्लानिंग में था, उनकी उम्र 16 साल है। ये हैवानियत इस तरह बढ़ी और यहाँ तक परिवार को आना पड़ा कि उस परिवार के लोगों को अपने पिता की प्लानिंग करनी पड़ी, मौत के घाट उतारने की प्लानिंग, और वो प्लानिंग पूरी हुई। हम आपको बता दें, 6 दिसंबर को माँ को हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि 5 दिसंबर को उनके पिता जो है वो उनको उनकी माँ को बुरी तरह पीटते हैं और बुरी तरह पीटते हैं, प्राइवेट पार्ट में उनके ब्लड निकलने लगता है, खून जो है वो आने लगता है। तो माँ को दिखाने के लिए वो अपने पिता से कहते हैं, लेकिन पिता अनसुनी करता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो हैं अपनी माँ को अपने पिता के साथ भेज देते हैं। पति पत्नी जो हैं वो दोनों जिला अस्पताल अलवर के लिए आ जाते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, अलवर आ जाने के बाद जो है वो दोनों पति पत्नी जो हैं वो दोनों आ जाते हैं और पिता जो है उन बच्चों का पिता जो है वो अलवर अपनी बीवी को लेके आता है। वहाँ ये है कि वो उनको दिखाता है और उसके बाद नज़र का चश्मा बनवाने के बहाने से वो दारू पीने चला जाता है, यानी कि शराब जो है, क्योंकि वो शराब का आदी था, वो शराब पीने चला जाता है, शराब के नशे में आता है। ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये बेटी के कहे हुए शब्द हैं जिस बेटी ने अपने पिता की हत्या की है उसके। और शराब पी के आते हैं तो फिर वहां ये देखा जाता है कि बेटी और उनका एक चचेरा भाई, अब इसमें एक और आदमी ऐड हो जाता है, चचेरा भाई, जो पूरा परिवार ये पूरी कहानी जानता था, तो चचेरा भाई भी आ जाता है। चचेरे भाई के साथ जो 19 साल की वो बेटी है, वो जिसने अपने पिता की हत्या की थी, वो अलवर आते हैं और अलवर से पहले एक जगह रुक जाते हैं, लक्ष्मणगढ़ मोड़ पे वो रुकते हैं। माता पिता जो है वो बस से आ रहे थे और वो लक्ष्मणगढ़ रुक जाते हैं। लक्ष्मणगढ़ जब वो रुक जाते हैं तो बाइक पे लेते हैं और उसको एक जगह है मालाखेड़ा की, एक गुगदोड़ एक जगह है, वहां पर बेटी और उनका एक चचेरा भाई, माँ और पिता, यानी कि 4 एक बाइक पर, और जो छोटा भाई की यानी कि जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था 16 वर्ष का जो भाई है वो अभी पहले वहां पहुंच चुका था इस जगह पे, क्योंकि प्लानिंग बन चुकी थी, वहां वो भाई पहुंच चुका था। उसके बाद मैं आपको बता दूं, वहां जाते हैं, शराब के नशे में था पिता और उसको फिर वो लोग गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको तलहटी में फेंक देते हैं, ऊपर से पत्थर भी डाल देते हैं। देखिए 6 दिसंबर की ये कहानी है, 6 दिसंबर को ये सारा खेल जो है वो रचा जाता है, यानी कि उनके पिता जो है उनकी हत्या की जाती है और उसके बाद 9 दिसंबर को जो है उनकी माँ जो है वो अपने पति की गुमशुदगी की तलाश
लिखवाती हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और 12 दिसंबर को पुलिस से जो है वो पता लगता है कि गुंगदौड़ में एक शव पड़ा हुआ है और उसकी सूचना जारी हो जाती है और उनको सूचना प्राप्त होने के बाद उनका शक जो है वो परिवार के ऊपर होने लगता है। पुलिस जैसे पूछताछ करती है तो माँ और बेटी दोनों बताने लगती हैं और मैं आपको बता दूं बेटी ने पूरा कहानी बताई। बेटी कहती ये कहते हुए बताती हैं कि मुझे अपने पिता को मारने में कोई भी किसी तरह का भय नहीं है, किसी तरह के कोई शर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो एक शैतान बन चुके थे, क्योंकि हम तीनों बहन जो थी हम तीनों बहनों के ऊपर भी उनकी नजरें रहा करती थी। इस वजह से पिता को जो है हमको यहाँ इस हद तक आना पड़ा कि पिता की हत्या हमको करनी पड़ी। अभी पुलिस के गिरफ्त में है। लगातार आप मेरे साथ देखते रहे डीटीवी। धन्यवाद।